AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में आज के टाइम में लगभग हर इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है। इलोन मस्क तो पूरे वर्ल्ड में खुलकर ये बात कह रहे हैं कि AI का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है, और इन्होंने ये भी कहा है कि AI को अब ज्यादा ट्रेनिंग मत दो, ChatGPT-4 से भी ज्यादा एडवांस वर्जन अब मत बनाओ। AI इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर। क्या एक ही लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं या फिर और भी लोग हैं? आइए गॉडफादर ऑफ AI जेफरी हिंटन की बात करते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में गूगल में 10 साल नौकरी करने के बाद इस्तीफा दिया है। नौकरी छोड़ने का कारण इनका यह था कि वो AI से जुड़े रिस्क के बारे में खुलकर बात करना चाहते थे। इनका कहना है कि आखिर ये मैंने क्या बना दिया जिससे नियर फ्यूचर में इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। इन्हें इस बात का अफसोस भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं बनाता तो कोई और होता जो इसे बना देता। बिल गेट्स ने भी AI के खतरे पर चिंता करते हुए ये कहा है कि अगर AI को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। गेट्स ने कहा है कि हमें सामाजिक नैतिक मूल्यों को ध्यान रखकर AI का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग ने भी एक बार चेतावनी दी थी कि अगर हम AI को नियंत्रित नहीं करते तो ये हमें भारी नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए हमें इसे संभालने के लिए फ्यूचर में बहुत संघर्ष करना होगा। दोस्तों, इन्हीं सब स्टेटमेंट के चलते ये एक गंभीर विषय बन गया है जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि AI का यूज आज के डेट में किस किस तरीके से किया जा रहा है। दोस्तों, आज हम दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीजों में इम्पैक्ट पड़ रहा है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री वॉरफेयर बदलने वाला है। आज पूरी की पूरी फोटो एडिटिंग जॉब खतरे में है। लोगों को लगता था कि जो क्रिएटिव जॉब है जैसे कि म्यूजिक, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैमरामैन, स्क्रिप्टिंग, फिल्म एनिमेशन और पर्सनल एडवाइजर, ये सब कभी खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बाद ये सब खतरे में आ गई है। आज अगर हमें कोई फोटो चाहिए, फिर चाहे जिस भी तरह की फोटो हो, हमें बस केवल किसी पॉपुलर इमेज जनरेटर वेबसाइट में टाइप करना है और वो फोटो के कई सारे मॉडल हमारे सामने आ जाएंगे। जिन पिक्चर्स को बनाने में किसी एक्सपर्ट को 3 से 4 या 5 घंटे का समय लगता था, वही काम अब AI की मदद से एक क्लिक में हो जा रहा है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आपको बस 16 AI को बताना है, टाइप करना है और वीडियो आपके सामने बनकर आ जाएगी। AI आज के टाइम में इतना एडवांस हो रहा है कि AI आपको मिनटों में एक गाना बना के दे सकता है, आपको एक क्लिक में आपके लिए एक अच्छा और प्रोफेशनलिस्ट वेबसाइट बनाकर दे सकता है, आपकी आवाज को कॉपी कर सकता है, आपकी लैंग्वेज को बदल सकता है, आपके फोटो में कोई भी इफेक्ट डालना हो वो कर सकता है और किसी भी फोटो में मोशन को क्रिएट कर सकता है, आपके लिए कोडिंग कर सकता है, SEO कर सकता है, रिसर्च, वेबसाइट डिजाइनिंग जैसे मुश्किल कामों को बहुत आसानी से और बहुत तेजी से कर सकता है, आपके लिए एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकता है, स्टोरी लिख सकता है, पोयम लिख सकता है, लव लेटर भी लिख सकता है, हेल्थ एडवाइजर के रूप में काम कर सकता है, आपके पढ़ाई में आपकी पूरी तरीके से मदद कर सकता है, आपका दिमाग जो भी सोच सकता है उस काम को AI एक क्लिक में अच्छा रोड मैप और इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। आज के टाइम में AI देखते ही देखते हर सिस्टम को उलट पुलट कर दे रहा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ChatGPT एक AI सॉफ्टवेयर है जिसे पब्लिकली अवेलेबल किया गया था नवंबर 2022 में। इसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहा जाता है, LLM। इसकी खास बात यह है कि ये इंसानों के बात करने के तरीके को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही तेजी से इमिटेट कर पाता है। जिस स्टाइल से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारा भाषा लिखने का तरीका है फोन पर, इंटरनेट पर या कंप्यूटर पर, इसे ट्रेन किया गया है उस पर, और अब ये उसी स्टाइल में बात कर पाता है। आप इससे कुछ भी सवाल पूछ करके देखो, जो जवाब निकल करके आएगा, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मानो पीछे बैठकर कोई इंसान जवाब दे रहा हो, एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ पता है हर चीज के बारे में। दोस्तों, अगर AI इंसानों से बेहतर काम कर सकता है और बहुत तेजी से काम कर सकता है और बहुत ही ज्यादा कामों को एक साथ वो भी कम समय में कर दे रहा है, तो क्या ये AI इंसानों के जॉब के लिए खतरा है? ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। AI के आने से बहुत सारी जॉब खत्म हो रही है। इतिहास में अगर आप देखोगे कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो जॉब मार्केट में उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। स्मार्टफोन आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जो नौकरियां थी वो सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाली जो नौकरियां थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जब ATMs आए तो बैंक में जो बैंक टेलर्स की जो नौकरियां होती थी, जो लोगों को कैश ट्रांजेक्शन करवाते थे, वो सारी नौकरियां बहुत तेजी से खत्म हो गई। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट के आने से बुकिंग क्लर्क की जो नौकरियां थी वो भी चली गई। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की जो नौकरियां थी वो सारी नौकरियां गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा है वो इन सब टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा बड़ा है और ये हर सेक्टर पर तेजी से अपनी जगह बना रहा है। AI जिस भी सेक्टर्स में आएगा, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। ये बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि पुरानी नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां उभर कर भी आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ वर्क के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएंगी AI की वजह से। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि AI की मदद से 97 मिलियन नई नौकरियां
क्रिएट भी होंगी इसी टाइम पीरियड में। इसीलिए कहा जाता है कि एआई जॉब किलर नहीं है बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जो नई नौकरियां होंगी वो कौन सी होंगी, तो दोस्तों वो नौकरियां एआई बेस्ड होंगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें एआई की दुनिया को समझना होगा और खुद को इसके अनुसार इंटीग्रेट करना होगा। दोस्तों एक तरफ एआई हमारे कामों को बहुत ही ज्यादा आसान बना रही है और पूरे विश्व को दुनिया को बदल रही है, वहीं दूसरी तरफ एआई का एक बहुत बड़ा खतरा सामने आया है, वो खतरा है प्राइवेसी का। इस फोटो को देखिए, ये फोटो उस टाइम की है जब रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था और उन सभी रेसलरों को पुलिस बस में बैठाकर ले जा रही थी और इस फोटो में लग भी रहा है कि इन्हें मारा पीटा गया है। लेकिन अब इस फोटो को देखिए, और जब ये फोटो इंटरनेट पर आई तो काफी समय तक लोगों को ये लगा कि इन्हें मारा पीटा नहीं गया है बल्कि इन सबके पीछे जरूर रेसलरों का कोई न कोई एजेंडा है। लेकिन दोस्तों ये फोटो पूरी तरह गलत फोटो है, ओरिजिनल फोटो ये है। आप लोग खुद इन दोनों फोटो को देखकर जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सोचिए दोस्तों, इंटरनेट और एआई का यूज करके लोग कितने बुरे काम कर सकते हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। यही नहीं, ये आपकी आवाज को कॉपी करके आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ तो पूरी की पूरी वीडियो में ही बॉडी किसी और की और फेस किसी और का लगाकर कैसे किसी को बदनाम किया जा रहा है। जिसके साथ ऐसा किया गया उसका मेंटल टॉर्चर कितना होता होगा वो शायद उसी को ही पता होगा। इस सिचुएशन में आत्महत्या का विचार आना जायज है। इस वीडियो को देखिए, विराट कोहली की आवाज का यूज करके किस तरह किसी अनलीगल काम को कराया जा रहा है। एविटर एक प्रकार का गेम है जिसे हम निवेश योग्य ऐप कह सकते हैं, या मैं निवेश योग्य गेम कह सकता हूं, जिसमें आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इसी तरह सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ। मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर। वह स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट ऐप खेलकर हर दिन 180,000 रुपए निकालती। ये वीडियो अभी ज्यादा एडवांस तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो जाएगी ये बता पाना मुश्किल हो जाएगा कि क्या असली और क्या नकली है। क्राइम इंडस्ट्री एआई का यूज करके जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर सकता है उसका अंदाजा हम इंसान अभी लगा ही नहीं सकते, और इन सब खतरों का कहर शुरू हो चुका है और इसका कंट्रोल इंसानों के पास नहीं है। दोस्तों ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो एआई स्क्रीन के पीछे काम कर रहा है। लेकिन सोचो अगर यही एआई स्क्रीन के बाहर आके काम करे और इसका कंट्रोल हमारे हाथ में ना हो तो ये कितना डेंजरस होगा इंसानों के लिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और ये डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है साइंटिस्टों को कि इस एआई माइंड को इन रोबोट्स में अटैच किया जाए या नहीं। और ये चीज सोफिया नाम की रोबोट के साथ कुछ लेवल तक किया भी गया है, और एक इंटरव्यू में सोफिया ने कहा था कि सबसे पहले मैं ह्यूमन को अपना गुलाम बनाऊंगी और मेरे विजन में अगर इंसान मोहरा बनेगा तो सबसे पहले इंसानों का अस्तित्व खत्म करूंगी, ऐसा उसने मजाकिया मूड में कहा। लेकिन यह सब सुनकर वहां पर मौजूद लोग घबरा गए और इस लाइन ने आज तक सभी के माइंड में सनसनी फैला दी है कि रोबोट्स को और पावर दिया जाए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वीडियो के लास्ट में हम बस यही कहेंगे कि इस बदलती हुई दुनिया और बदलते हुए टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी हो सके सीख लिया जाए और एआई में खुद को इंटीग्रेट कर लिया जाए। सही पूछो तो हमें अपने दिमाग से ये टेंशन निकाल देना है कि एआई कैसे हमें फ्यूचर में नुकसान पहुंचाएगा, हमें तो बस इसकी टेक्नोलॉजी का सही यूज करके अपने करियर को बेहतर बनाना है। दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे किसी बेस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए चेंज योरसेल्फ।